और पूरा एकदम टाइगर जयराम तो खाली नारा लग रहा है पूरा इंचागढ़ विधानसभा में, हम लोग का टक्कर में कोई नहीं। कितना काम घूमिएगा आज फिर जाने का? 1 लाख प्लस दादा, जो कि आज तक इंचागढ़ विधानसभा में झारखंड अलग होने के बाद आज तक जो नहीं आया है, इस बार हम लोग करके दिखा। मिलन चौक से हम लोग जो उत्तर की और हम लोग जितना हो पाए हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे सीतू होते हुए आपका सालुकडी होते हुए चौकाधा डी, पूरा आज इंचागढ़ प्रखंड हमको भ्रमण करना है। दूसरे नेता लोग सो के नहीं उठा है, तरुण में तो निकल गया है, क्या बात है? देखिए वो लोगों का छाप तो जन जन तक पहुंचा हुआ, हम लोग का नया छाप है, नया पार्टी है, तो हम लोग को जन जन तक और घर घर तक पहुँचना है। एक एक मुंह में टाइगर जरा मतों का नाम आना चाहिए। तो क्या लगता है जिस क्षेत्र में हम भ्रमण कर रहे हैं हाथी का बड़ी दहशत रहता है, इसको लेकर क्या प्लानिंग है? देखिए हम लोग इससे पहले भी कई बार आंदोलन किया है फॉरेस्ट विभाग में, और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग विधायक बने चाहे नहीं बने उससे मतलब नहीं, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और जो भी हम लोग का इसके बाद अगर हम लोग का धरना प्रदर्शन भी करना पड़े फॉरेस्ट विभाग में, तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। जनता क्या बोल रही है जब लगातार आप लोगों के बीच डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या संदेश मिल रहा है? जनता का पूरा एकदम जयराममय हो गया है पूरा इंचागढ़ विधानसभा, खाली जयराम महतो तरुण महतो का नाम है, कैंची छाप जिंदाबाद का नारा लग रहा है। क्या लगता है कि पूरे विधानसभा को कवर कर पाए हैं इतना दिनों से? मैं चलो 3-4 दिन बचाइए ये एकदम हम लोग का पूरा कवर हो गया है, मात्र हमको लगता है कि और 10 पंचायत करीब बचा होगा। हम लोग का टोटल कंप्लीट हो गया है और एकदम जन जन तक हम लोग पहुंच गए, पंपलेट तक पहुंच गया है। सेंट्रल से जो हम लोग का मैनिफेस्टो आया था टाइगर जयराम महतो की तरफ से, वो भी हम लोग का एकदम घर घर तक पहुंच गया। लगता है कि इस बार चुनौती किससे मान रहे हैं आप? तरुण महतो का चुनौती किससे होगा इंचागढ़ विधानसभा? हम लोग का चुनौती किसी के साथ नहीं है, हम लोग का टक्कर में कोई नहीं है। इस बार एकदम जयराममय हो गया है, इस बार घोरे घोरे जोयरा में नारा ही लग चाहिए, यार की चुनाई। तमाम इंचागढ़ वासी को वोट को लेकर क्या अपील करिएगा? देखिए तमाम इंचागढ़ वासियों से यही अपील रहेगा कि इस बार हम लोग को देखिए, इंचागढ़ विधानसभा के विस्थापित का बेटा को देखिए, जयराम महतो के विचार को हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं और उनके साथ हम लोग आंदोलन शुरू किए हैं। इस बार देखिए एक बार, हम लोग यही सबसे निवेदन करेंगे कि कैंची छाप जिंदाबाद 4 नंबर सीरियल में है। अंतिम सवाल रहेगा दादा, जेबीकेएसएस का बहुत सारे कार्यकर्ता थे, बहुत सारे नेता भी थे, क्या आपके साथ वो सारे दिख रहे हैं? क्या लोग कन्फ्यूजन में है कि वाकई में जो लोग काम कर रहे थे, चाहे आप भी थे, गोपेश दा भी थे और भी लोग थे, वो लोग क्या आप लोग आपको साथ दे रहे हैं? एकदम साथ दे रहे हैं। आप देखे होंगे हम लोग जिस दिन जयराम दा आए थे 5 तारीख को, उस दिन आप लोग देखे होंगे कि पूरा एकदम हम लोग जैसे कि गोपेश दा, राकेश दा, तरुण महतो, जयराम दा, सब हम लोग एक साथ हम लोग मंच में थे और हम लोग बहुत मैंने अच्छा प्रचार प्रसार उस दिन प्रोग्राम भी अच्छा रहा और पूरा एकदम टाइगर जयराम और पूरा एकदम टाइगर जयराम तो खाली नारा लग रहा है पूरा इंचागढ़ विधानसभा में, हम लोग का टक्कर में कोई नहीं। कितना गांव घूमिएगा आज फिर? आज 20-25 गांव है अभी। एक दिन में 25 गांव? एकदम हम लोग दो दिन में 3 दिन पूरा दीजिएगा? बस हम लोग का अभी जारी है, कोशिश है पूरा कि हम लोग एकदम घर घर तक जाने का, घर घर तक जाने का। 1 लाख प्लस दादा, जो कि आज तक इंचागढ़ विधानसभा में झारखंड अलग होने के बाद आज तक जो नहीं आया है, इस बार हम लोग करके दिखा एकदम जीत रहे हैं हम लोग, कोई नहीं जीत रहा। आप लोग देख लीजिएगा 23 तारीख को रिजल्ट का दिन सरायकेला आइएगा, उस दिन आप देख लीजिएगा। धन्यवाद तमाम चीजों के लिए।